वक्फ बिल में केंद्रीय सरकार ने डायरेक्ट दस्तूर पर कॉन्स्टिट्यूशन अटैक किया है। वक्फ प्रॉपर्टी को बर्बाद करना चाहते हैं, लूट पूट करके खाना चाहते हैं, ये इख्तियार उनका नहीं है। ये मुसलमानों के हक को छीनना चाहते हैं। हिंदू देव देवी का प्रॉपर्टी इससे 10 गुना 50 गुना ज्यादा, वहाँ कोई आपका पार्लियामेंट में भाष नहीं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सबको आजादी दी है, अपने तकलीफ की बात और कोई संविधान पर हस्तक्षेप करे या संविधान को कमजोर करे, दुर्बल करे, उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। वक्फ बिल में केंद्रीय सरकार ने डायरेक्ट दस्तूर पर कॉन्स्टिट्यूशन अटैक किया है। ये मुसलमानों के हक को छीनना चाहते हैं और वक्फ प्रॉपर्टी को बर्बाद करना चाहते हैं, लूट पूट करके खाना चाहते हैं, ये इख्तियार उनका नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर के सब जुडिस नहीं है, इसलिए ये आग से खिलवाड़ बंद करना चाहिए। और हिंदू बहुत संपत्ति है, हमने कोई विरोध नहीं किया, आप सिर्फ मुसलमानों को देख रहे हैं। हिंदू देव देवी का प्रॉपर्टी इससे 10 गुना 50 गुना ज्यादा, वहाँ कोई आपका पार्लियामेंट में भाष नहीं। इसी तरीके पर तलाक में पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमिटी नहीं, और यहाँ नागरिक सिटीजनशिप एक्ट में नहीं है। तो हम पुरजोर अल्फाज में विरोध करते हैं, इस बिल को आप वापस लीजिए। हाँ, इसमें वो लोग तो है ही है, सांप्रदायिक कॉम्युनल है, वो छेड़छाड़ करना चाहते हैं, मुल्क को बंटवारा करना चाहते हैं, दुर्बल करना चाहते हैं। हम लोग मुत्तहिद होकर इसको लड़ेंगे, ये हमारा आवाज है। वो बाद में अभी नहीं, जब होगा देखा जाएगा। नहीं, बांग्लादेश जाकर बात कीजिए, बांग्लादेश की कोई बात अभी नहीं करेंगे। चलिए।